भारत में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस मामलों ने एक बार फिर से प्रशासन से लेकर लोगों तक को चिंता में डाल दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2483 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये मामले कल के संक्रमितों की संख्या से कम है। कल यानी सोमवार को दर्ज की गई रिपोर्ट में 2541 नए मामले सामने आए थे। आज के केसेस कल की तुलना में 2.2% कम हैं, जबकि इस अवधि के दौरान 1399 लोगों की मौत इस वायरस से हुई है। पिछले 24 घंटे में 1970 लोग कोरोना वायरस से सही हुए हैं। अब तक देश में कुल 42,54,411 लोग कोरोना से सही हो चुके हैं और इस समय देश में कोरोना के 15,636 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 3,73,235 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। अब तक कुल 1,87,73,55,634 लोगों को देश में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बता दें कि कोरोना की वैक्सीन लगाने में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे है। यूपी एकमात्र राज्य है जिसने 31 करोड़ से अधिक टीके की डोज दी है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।